हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। दिल्ली में मोदी सरकार काटेगी 17,000 पेड़, आम आदमी पार्टी करेगी चिपको आंदोलन। दिल्ली में करीब 17,000 पेड़ काटे जाने हैं, ऐसे में दिल्ली सरकार और मोदी सरकार के बीच एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी आपने केंद्र की मोदी सरकार के अन्य कदम के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का फैसला किया है। आप विधायक और प्रवक्ता सौरभ भरद्वाज ने कहा कि मोदी सरकार के मंत्री और अफसरों के लिए बड़ी बड़ी इमारत तैयार करवाने के लिए ये पेड़ काटे जा रहे हैं। दरअसल आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने गुरुवार को कहा था कि नौरोजी नगर, नेताजी नगर, सरोजनी नगर, मोहम्मदपुर, श्रीनिवासपुरी, कस्तूरबा नगर और त्यागराज नगर में 7 कॉलोनियों के पुनर्विकास के लिए वर्तमान 21,040 पेड़ों में से 14,031 पेड़ काटे जा रहे हैं। मोदी सरकार अपनी पुनर्विकास योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में 17,000 पेड़ों को काटने की योजना बना रहा है, लेकिन वह इस कदम के विरुद्ध चिपको आंदोलन जैसा आंदोलन चलाने पर विचार कर रही है। आप प्रवक्ता सौरभ भरद्वाज ने दावा किया कि इस योजना में नेताओं और नौकरशाहों के लिए फ्लैटों का निर्माण करना शामिल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरोजनी नगर, नौरोजी नगर, सफदरजंग एनक्लेव जैसे एरिया में रीडेवलपमेंट का प्लान मोदी सरकार लेकर आई है, जिसके तहत इन कॉलोनियों को तोड़ा जाएगा और इन नेताओं अफसरों के लिए बहुमंजिले इमारतें बनाई जाएगी। बता दें कि आप प्रवक्ता भरद्वाज ने कहा कि पुनर्विकास योजना के तहत लुटियान दिल्ली में 17,000 पेड़ काटे जाएंगे। अकेले सरोजनी नगर में 11,000 पेड़ों को काटने की योजना है। उन्होंने कहा, हमारी सूचना है कि कोई पर्यावरण मूल्यांकन नहीं किया गया है, दिल्ली सरकार से संपर्क नहीं किया गया है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज़। नमस्कार। सब्सक्राइब करना ना भूलें।